गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हमारी क्लास में हम मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने जो अपनी निर्वचन समझ के आधार पर वरेस्टेन पद्धति का प्रयोग किया और सामाजिक क्रिया को भी आदर्श प्रारूप के संदर्भ में समझाया है। सामाजिक क्रिया की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की क्रिया नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकले और वेबर ने इसे मोटे तौर पर चार भागों में बांटा है। इसे हम परंपरागत क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया या प्रभावात्मक क्रिया, ये चार स्वरूप में समझ सकते हैं। आज की क्लास में मैं पहले, अगर न्यू टाइप छोटे प्रश्न में आ जाए परंपरागत क्रिया क्या है, उनका आंसर आपको 40 शब्द में कैसे लिखना है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताऊंगा और उसके बाद इसकी हम विस्तृत व्याख्या को करेंगे। सामाजिक क्रिया का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को तार्किक आधार पर समझने के साथ साथ इसके महत्व की विवेचना भी की है। तार्किक क्रिया क्या है? इसे लक्ष्य मूलक क्रिया कहते हैं। यह एक प्रकार की औपचारिक क्रिया है। यह साधन साध्य संबंधों पर आधारित होती है और जिसके अंदर पूरी योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने पर बल दिया जाता है। छोटे प्रश्न में आ जाए कि तार्किक क्रिया क्या है, तो आप पॉइंट्स बना के लिख देंगे। नंबर एक, यह लक्ष्य मूलक क्रिया है। नंबर दो, यह औपचारिक क्रिया है। नंबर तीन, यह साध्य साधन संबंधों पर आधारित है। और नंबर चार इसमें आप डालिए, इसमें सुनियोजित तरीके से योजनाबद्ध आधार पर पूर्ण योजना के अनुसार जो व्यवहार होता है वो तार्किक क्रिया की श्रेणी में आता है। दूसरा, मूल्यांकनात्मक क्रिया। इसमें आप तीन प्रकार के मूल्यों को शामिल कर सकते हैं, नैतिकता, कला, धर्म। इनके आधार पर की जाने वाली क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहेंगे। इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित होते हैं। इन सामाजिक क्रियाओं के पीछे व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य न होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे किसी सैनिक के द्वारा नैतिकता के आधार पर पीठ ना दिखाना बल्कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, जहाज के कैप्टन का जहाज के साथ डूब जाना, ये भी इसमें उदाहरण है जो इसमें आएंगे। ठीक इसी प्रकार भावात्मक या प्रभावात्मक क्रिया की जब बात आती है, तो व्यक्ति के जो मनोभाव होते हैं, उद्वेग हैं, संवेग हैं, क्रोध, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि से प्रभावित होकर जो क्रिया की जाती है, इन इमोशंस के आधार पर जिनको नियंत्रण किया जाता है, इन क्रियाओं को भावात्मक या प्रभावात्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि किसी टीम के जीतने पर या किसी भारत पाकिस्तान के मैच होने पर लोग भावुक होकर रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या टीम के लोग खुशी में नाचने लगते हैं। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक संवेग के आधार पर किए जाने वाला व्यवहार होता है। ठीक इसी प्रकार ट्रेडिशनल एक्शंस में, परंपरागत क्रिया में, ऐसी क्रिया जिनके पीछे पूर्वजों का अनुकरण होता है उन्हें हम परंपरागत क्रिया कहते हैं। ये आदर्श के एक अंग होते हैं। प्रथा, परंपरा आदि से प्रभावित की जाने वाली क्रिया होती है। इसमें व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया से इसे प्राप्त करता है। वो सीखता है कि उसे किस तरह व्यवहार करना होगा और समाज इन व्यवहारों के बदले में पुरस्कार या दंड की व्यवस्था करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए पैर छूता है, तो ये एक ट्रेडिशनल परंपरागत क्रिया की श्रेणी में आएगा। 40 शब्द वाले उत्तर यदि हमें लिखने हो, तो तार्किक क्रिया में आप चार पॉइंट बना देना कि यह एक औपचारिक है, लक्ष्यमूलक है, साध्य साधन पर आधारित है, योजनाबद्ध है। मूल्यांकनात्मक में आप लिखेंगे कि मूल्यांकनात्मक क्रिया का संबंध नैतिकता, कला, धर्म के साथ होता है। नंबर दो, इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित होते हैं। नंबर तीन, इसमें व्यक्ति स्वयं के लक्ष्यों को न मानकर सामाजिक लक्ष्यों को महत्व देता है। और नंबर चार है कि इसमें ज़्यादातर परोपकार की भावना जुड़ी होती है। व्यक्ति नैतिकता के आधार पर दूसरों के हित में सोचता है। ठीक इसी प्रकार भावात्मक क्रिया के चार पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह उद्वेग या मनोभाव के आधार पर होती है। इसमें व्यक्ति की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता। नंबर तीन, इसमें व्यक्ति परिस्थितिवश एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उस बहाव से रोक नहीं पाता, वो खुशी में नाच भी सकता है, आंसू भी आ सकते हैं। और नंबर चार, इस प्रकार की क्रिया का संबंध सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक आधार पर निश्चित किया गया है।
परंपरागत क्रिया के पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि इन क्रियाओं के पीछे हमारे पूर्वजों का अनुकरण होता है। नंबर दो, ये हमारे आदर्श के अंग होते हैं जिसमें प्रथा परंपरा का विशेष महत्व होता है। नंबर तीन, इन क्रियाओं को हम समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीख सकते हैं। और नंबर चार, इन क्रियाओं को करने के बाद समाज हमें पुरस्कार या दंड के रूप में अनुशासियों की व्यवस्था करता है और ये सामान्यतः हमारे व्यवहार पाए जाते हैं। ये तो बात हो गई छोटे प्रश्न के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे विस्तृत प्रश्न के आंसर लिखते समय तार्किक क्रिया लक्ष्य के प्रति अभिस्थापित होती है। पैरेटो की तार्किक क्रिया की तरह ही मैक्स वेबर की यह तार्किक क्रिया है। इसमें कर्ता अपनी क्रिया का संबंध तार्किक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ता है। जैसे एक उदाहरण है, एक इंजीनियर नदी पर पुल बनाना चाहता है। उसको बनाने से पहले वो पूरा एक होमवर्क करेगा, रफली एक नक्शा बनाएगा, पुल की ऊंचाई चौड़ाई कितना वो भार सहन कर सकता है, इन सबको पहले से निश्चित करेगा। फिर उसके बाद वो डिजाइन ड्राइंग करेगा कि पुल में कितने खंभे होंगे, कितना सीमेंट चाहिए, मिट्टी वहाँ की कैसी है, मृदा परीक्षण करने के बाद कितना जस्ता सीसा लोहा चाहिए, कितने लोग उसमें काम करेंगे, कितने टेक्निकल आदमी चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना उसका बजट बनेगा, और वो कोई योजना बनाकर तार्किक ढंग से उसकी पूरी क्रियान्विति करता है। यदि पुल बनाने की क्रिया पुल के लक्ष्य के अनुरूप बनती है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो यह इंजीनियर लक्ष्य को ध्यान में रखकर क्रिया का संपादन कर रहा है। यह क्रिया हर तरह से लक्ष्य के प्रति अभिस्थापित होती है, सरोकार रखती है। इसे वेबर की तार्किक क्रिया कहेंगे। रेमंड एरा ने तार्किक क्रिया के विश्लेषण के लिए मैन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट्स नामक किताब में एक दृष्टांत का उदाहरण दिया है। वो कहता है कि एक व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में जो दलाल का काम करता है, सटोरिया होता है, वो घुसता है, अपना रुपया दाव लगाने से पहले बड़ी विस्तार के साथ पूरी योजना बनाता है। जैसे उसे किस शेयर में पैसे लगाने हैं तो क्या करेगा, उस शेयर की बैक हिस्ट्री देखेगा कि पहले इसके भाव क्या रहे, इसमें उतार चढ़ाव किस आधार पर होता है, ये शेयर नुकसान देगा या फायदा देगा, मार्केट की योजना रणनीति क्या है। वो पूरी प्लानिंग को पेपर पर लेने के बाद ही अपने शेयर खरीदेगा। उसे पता रहेगा कि मेरी स्टडी के बेस पर मुझे 2 साल में इस शेयर से कितना लाभ मिलेगा। तो अगर एक सटोरिया शेयर बाजार में शेयर खरीदता है, योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, तो यहाँ वो तार्किक क्रिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। अब तार्किक क्रिया के संदर्भ में ही मूल्यांकनात्मक क्रिया की जब बात करते हैं, जो मूल्य पूर्वजों के अनुकरण के आधार पर स्थापित हैं, जिसमें हमने कला धर्म नैतिकता को शामिल किया, ये भी मूल्य के प्रति अभिस्थापित होती है। क्रिया का दूसरा प्रकार तर्कपूर्ण होने के बाद मूल्यों के प्रति भी अभिस्थापित होता है। ऐसी मूल्य की ओर रुझान वाली तार्किक क्रिया विश्वास पर आधारित होती है। कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो कर्ता की दृढ़ धारणाओं पर निर्भर हैं। इन क्रियाओं को करने में कर्ता कभी भी यह नहीं सोचता कि इनके करने के परिणाम स्वरूप कर्ता का भविष्य क्या होगा। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता है तो उसकी दृढ़ धारणा है कि माता पिता के प्रति उसके जो मूल्य थे उनकी पूर्ति हुई थी। ऐसी क्रिया का रुझान हर प्रकार के मूल्यों के प्रति होता है। वह मूल्यों की उपेक्षा के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करता और धर्म नैतिकता के संदर्भ में मूल्यपरक सामाजिक क्रिया की व्याख्या इसमें की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, मूल्यपरक क्रिया के संदर्भ में हम एक मूल्य का उदाहरण देंगे कि राजस्थान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया था। तो जौहर मूल्य से जुड़ा हुआ नैतिकता। मूल्य यह है कि स्त्रियां आक्रमणकारी के सामने अपने अंदर अपने आदर को बनाए रखेंगी, उनके हाथों से तिरस्कृत नहीं होंगी। जौहर उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य है जो नैतिक मूल्य पर आधारित है, कहीं ना कहीं उनके अच्छे चरित्र का प्रमाण है। इस प्रकार की क्रिया मूल्य की प्राप्ति के लिए है। मूल्य एक सोपानिक व्यवस्था है। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो प्रमुख होते हैं, कुछ गौण होते हैं, लेकिन मूल्यों का विस्तार वृहद होता है। समाजशास्त्र में हमें यह भी ध्यान रखना है कि मूल्यों के बारे में राधा कमल मुखर्जी ने बहुत विस्तृत अध्ययन किया था। जिस तरह कार्ल मार्क्स, वेबर और दुर्खिम समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, वैसे राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के अध्ययन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। मूल्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैले होते हैं। इन मूल्यों को ऊंचा उठाना कर्ता अपना कर्तव्य समझता है। मूल्य अभिस्थापित तार्किक क्रिया बिना किसी शर्त और प्रतिबद्धता के होती है। रेमंड एरा ने तार्किक तथा
मूल्य अभिस्थापित क्रिया के प्रकार के बारे में प्रश्न रखा है। वो कहते हैं कि जब सामाजिक क्रिया मूल्यों की प्राप्ति के लिए होती है तो यह तार्किक किस प्रकार हुई। इसका उत्तर देते हुए रेमंड एरा कहते हैं कि यह तार्किक इसलिए है क्योंकि तो इसके कर्ता को इसमें सफलता मिली है नहीं यह चिंता वह कभी नहीं करता। वह क्रिया पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करता। मूल्य इस क्रिया में लक्ष्य होते हैं पर इन्हें प्राप्त करने के लिए क्रिया की जाती है। दूसरा, मूल्य अभिस्थापित क्रिया की दिशा में रिवाज निर्धारित नहीं होते। यह तो कर्ता के मूल्यों के प्रति दृढ़ता है जो निश्चित काम को करता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसे बहुत से सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपना व्यवहार किया और वो मूल्यों के बचाने के लिए नैतिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपनी कला के आधार पर उन्होंने अपनी क्रियाओं को निष्पादित किया। आप इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, चित्रकार ने चित्र बनाया। अगर कोई उस चित्र की प्रशंसा कर रहा है तो ये प्रशंसा करना भी यहाँ पर मूल्यपरक सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आएगा क्योंकि वो कला एक आर्ट की यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। तीसरे प्रारूप में हम देखेंगे भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया। ये इमोशनल एक्शंस के अंदर आता है। क्रिया का यह भावात्मक स्वरूप है, यह मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसमें आदमी आवेश में आकर क्रिया को कर देता है। इस प्रकार की क्रिया का संबंध न तो किसी लक्ष्य के साथ होता है ना ये किसी मूल्य के साथ जुड़ी होती है। किसी विशेष परिस्थिति में कर्ता किसी संवेगात्मक स्थिति में आ जाता है और क्रिया को कर देता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा बहुत उदंडी था, घर पे बहुत शैतानी करता रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा मान जाओ, अगर तुमने शैतानी करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। बच्चा तो बच्चा ही था, उसने अपनी शरारतों में कोई कमी नहीं की बल्कि वो तो ज़्यादा उदंड हो गया। माँ ने क्रोध के वसीभूत होकर संवेग में आकर उस बच्चे की पिटाई कर दी और पिटाई भी क्या, उसको अच्छी तरह पीट दिया। इतना अधिक पीटा कि उसके चेहरे पर कई जगह घाव के निशान बन गए, सूजन आ गई। अब वही माँ थोड़ी देर पहले उस बच्चे को पीट रही थी, जब उस घाव को देखती है, खून को देखती है तो वो रोने लगी। अब यहाँ रोने के पीछे उसका भाव ये है, उसको अपनी आत्मग्लानि होती है और वो बच्चे की पीड़ा को महसूस करके कहती है, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे बच्चे को क्यों पीटा। अब यहाँ दोनों व्यवहार, बच्चे को पीटते समय भी उसका संवेग था और बच्चे के चोट लगने के बाद वो जो आत्मग्लानि में अश्रु विहोर होकर रो रही है, ये भी कहीं ना कहीं उसके पीछे संवेगात्मक क्रिया की श्रेणी में आएगा। संवेग की ये स्थिति, जैसे दो व्यक्ति सामान्य सहज रूप से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रसंग चल जाता है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के माता पिता के प्रति अश्लील शब्दों का प्रयोग कर देता है, देसी भाषा में गाली बक देता है। यह प्रयोग उसके संवेग को विदित कर देता है। देखते देखते उस व्यक्ति के गाल पे थप्पड़ मार देता है। क्या बोलेगा कि तूने मेरे माँ बाप को गाली क्यों बोली। विशुद्ध रूप से यह क्रिया संवेगात्मक है। इसी तरह अभी स्कूल से लौटे बच्चे को किसी बात पर क्रोध करके माँ घर से बाहर कर देती है संवेगात्मक आधार पर, और बाद में जब वो भूखा रहता है और वो भूख के मारे रोता रोता सो जाता है तो फिर पीड़ित भी होती है, अरे मेरे बेटे को मैंने मारा। खैर, ये जो उदाहरण है ये आप समझ गए होंगे कि भावात्मक आधार पर इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि मुझे बच्चे को पीटना है। इसके पीछे कोई योजना नहीं है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा। इसके पीछे भाव ये है कि वो कहीं ना कहीं संवेग से प्रभावित होकर इस तरह के व्यवहार को करती है। संवेगात्मक क्रिया को समझा नहीं जा सकता, यह भावना प्रधान होती है। वास्तव में ऐसी क्रिया के विश्लेषण को मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषकी कर सकते हैं। कुछ आलोचकों ने वेबर की इस प्रक्रिया को अधिक विस्तृत रूप दिया। वह कहते हैं कि इस प्रकार की क्रिया को तुरंत भावेश में किया जाता है, इंद्रियों को तुष्टि होती है। और कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि संवेगात्मक क्रिया का अध्ययन क्षेत्र वस्तुतः मनोविज्ञान का है, समाज शास्त्र का नहीं है। अर्थात इसका यह दोष भी है कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब बात आती है ट्रेडिशनल एक्शन, परंपरागत क्रिया के बारे में। वेबर की क्रिया के इस प्रकार में रिवाज, विश्वास, व्यक्तिक आदतों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक समाज और समूह में जन्म, विवाह, मृत्यु, त्यौहार आदि होते हैं। इनके साथ में जुड़े हुए रिवाजों, विश्वासों की बहुत बड़ी तालिका होती है। ऐसी क्रियाएं जो रिवाजों, विश्वासों, आदतों के द्वारा संचालित होती है परंपरागत क्रियाएं कहलाएंगी। इस क्रिया में स्वयं कर्ता को किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना पड़ता। वह तो मानकर चलता है कि परंपरा, विश्वास आदि में ही अंतर्निहित नहीं लक्ष्य होते हैं। उसका तो काम केवल यही है, उद्देश्य के बारे में कुछ भी सोचे बिना आँख बंद करके परंपराओं का पालन करता चले। लक्ष्य की तरह मूल्यों के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह केवल रिवाज, परंपराओं का परिपालन पीढ़ी दर पीढ़ी से होता है ऐसा मानता हुआ उनके पीछे अपने भाव रखता है।
इसमें कोई ना कोई मूल्य अवश्य होंगे, ऐसा उसका भाव रहता है। इसके संपादन में कर्ता समेगात्मिक भी नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक क्रियाओं के जो आदर्श प्रारूप है इसका इतना महत्व क्यों है, वाई सो मच इम्पोर्टेंस टू आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन। रेमंड एरन या रेमंड एरा और पार्सन्स ने आदर्श प्रारूप की विस्तृत व्याख्या की और कहा कि दोनों ही सिद्धांत वेत्ता बिना किसी लाग लपेट के अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। जब एरा सामाजिक क्रिया के प्रकारों पर अपनी उपसंहारात्मक टिप्पणी रखते हैं तो एक स्थान पर कहते हैं कि आखिर सामाजिक क्रिया ने इन प्रकारों में कौन सी बात है जो व्यूवर के मरने के बाद पिछले 6-7 दशकों से सिद्धांत वेताओं इन पर बराबर काम कर रहे हैं। एरा का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है और रुचिकर बात यह है कि स्वयं उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के प्रकारों को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे सामाजिक क्रिया के प्रकारों का निम्न कारणों से आज भी सिद्धांत कर्म उपयोगी मानते हैं। यानी अब आपको ये समझना है कि यदि पूछा जाए कि सामाजिक क्रियाओं की इम्पोर्टेंस ही बताइए, प्रकार तो आप बता देंगे, इनका महत्व क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इस लॉजिक में आप रेमंड एरा और पार्सन्स की व्याख्या को डाल सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यह अमूर्त स्तर की अवधारणा है। यानी वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का एक व्यापक विज्ञान मानता था। इस दृष्टि में क्रियाओं के एक प्रकार में अमूर्त अवधारणाओं की व्यवस्था बनती है जिनका क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि क्रिया का यह कोटिकरण या वर्गीकरण अमूर्तीकरण का उच्चतम स्तर है। इसे सुविधापूर्वक आनुभविक अध्ययन में काम में लिया जा सकता है। द्वितीय बिंदु के रूप में यह जो अमूर्त स्तर की अवधारणा है इसमें सामाजिक क्रिया का व्यापक विज्ञान के रूप में महत्व होता है। जब वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन कहते हैं तब इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक क्रिया का यह विज्ञान अपनी परिधि में बहुत व्यापक है। वेबर ने यहाँ व्यापक पद की व्याख्या की है। इसका मतलब है कि वे कर्ता क्रिया का जो अर्थ देता है उसकी समझ से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए पैरेटो की परिभाषा में क्रिया वह है जिसे कर्ता नहीं केवल अवलोकनकर्ता कर देता है। वेबर इसके जस्ट विपरीत है। वे कहते हैं कि क्रिया का जो अर्थ कर्ता देता है वही सही अर्थ है, उसकी समझ में वेबर की सामाजिक क्रिया देती है, यही उसकी व्यापकता है। तीसरा बिंदु है कि वेबर की क्रिया के प्रकार तत्कालीन समाज के निर्वचन में सहायक है। रेमंड एरा उपरोक्त बिंदु में बताना चाहते हैं कि आज वेबर की मृत्यु के बाद भी सामाजिक क्रिया के प्रकार बड़े महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इनके पीछे कारण कौन से हैं, इस सिलसिले में उनका कहना है कि सामाजिक क्रिया के इन प्रकारों को हम यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि जिस युग में वेबर ने अपनी रचनाएं लिखी उस युग में यूरोप के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। क्रियाओं के प्रकारों से यह स्पष्ट होता है कि वेबरकालीन यूरोप में विज्ञान तथा औद्योगिकरण के आविर्भाव के परिणाम स्वरूप विवेकपूर्ण व्यवहार महत्वपूर्ण थे। अब लोग व्यवहार के स्तर की क्रिया का क्षेत्र भी व्यापक रूप से मानने लगे हैं। अब ये लोग बराबर समझने लगे हैं कि किसी भी प्रतिष्ठान या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति तार्किक क्रियाओं के द्वारा ही हो सकती है। चौथा बिंदु उन्होंने बताया कि विज्ञान और राजनीति के मध्य जो संबंध है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। यद्यपि मैक्स वेबर एक राजनीतिज्ञ नहीं थे फिर भी उनका यह सपना था कि वो किसी भी प्रकार राजनीतिज्ञ बन जाएं। वास्तव में वे जीवन पर्यंत एक अकादमिक प्रोफेसर रहे। यद्यपि कभी कभार उन्होंने पत्रकार का कार्य भी अवश्य किया। यह होते हुए भी उनकी यह दिली इच्छा थी कि वे राजनीति का आदर्श प्रारूप तैयार करें, एक वैज्ञानिक के आदर्श प्रारूप को रखें। यह प्रश्न वेबर के लिए व्यक्तिगत होकर भी दार्शनिक था। यद्यपि वेबर इस प्रकार का कोई आदर्श प्रारूप नहीं बना पाए फिर भी उन्होंने क्रिया के प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार से बनाया कि इसमें जीवन के प्रति राजनीति विज्ञान धर्म आदि के विषय का समावेश करते हुए उसकी व्याख्या की। वास्तव में किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य का ऐसे प्रस्तावक के रूप में बनाना जो विभिन्न तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को स्थापित करता है, ऐसा ही प्रयास क्रियाओं के प्रकार में वेबर ने किया था। वे इन प्रकारों के माध्यम से ऐसा व्यापक निर्वचन करना चाहते थे जो संसार भर के लिए वैलिड सिद्ध हो। जो क्रियाओं का वर्गीकरण वेबर ने बताया उसका दावा है कि वह सार्वभौमिक रूप से सत्य है। वैज्ञानिक व्यवहार इसलिए लक्ष्य प्राप्ति की तार्किक क्रिया और मूल्यों का जोड़ है। मूल्य सत्य तार्किकता तर्कशास्त्र अनुसंधान का नियम है कि वैध परिणामों को पाने के लिए तार्किकता और मूल्य दोनों ही से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए वेबर कहते हैं कि विज्ञान तार्किकता की एक प्रक्रिया है, आधुनिक पश्चिमी समाज की एक विशेषता है। अतः जब कभी हम आधुनिक समाज की कल्पना करते हैं तो हमें किसी भी निर्वचन में तार्किकता और मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी।
और यही दोनों लक्षण सामाजिक क्रिया के प्रकारों में हमें देखने को मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है इसमें हम लोगों ने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के संदर्भ को समझा। आज की क्लास में मैंने आपको दो अर्थ में इसको समझाने का प्रयास किया है। पहला अर्थ, छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि सामाजिक क्रिया के चार प्रकार कौन से हैं, तो आप चारों का वर्णन कर देंगे, और विस्तृत व्याख्या के रूप में सामाजिक क्रिया के चारों प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करते हुए अंत में आप ये स्पष्ट करेंगे कि रेमंड एरा और टालकॉट पार्सन्स ने इसकी उपयोगिता पर कैसा महत्व दिया है। इस तरह मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सामग्री आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। अब आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि जल्दी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं और एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, तो साथ के साथ आप यह सामाजिक क्रिया के टॉपिक को पढ़ते रहें। कल वाली क्लास में मैं परंपरागत जो क्रियाओं का प्रारूप था उसके अलावा जो मैक्स वेबर ने ऑथोरिटी की अवधारणा बताई है, प्राधिकार, उस पर अपनी क्लास लूँगा। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।